वेलकम बैक टू बी नेचुरल। अगर आज आप मेरे बालों को देखेंगे तो कुछ आपको ज्यादा ही शाइनी नजर आएंगे। हालांकि आप छू नहीं सकते, लेकिन मैं छू करके बता सकती हूँ आज के मेरे बाल कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहे हैं। आज मैं हेयर स्पा किया है घर पे खुद से। बहुत इजी प्रोसेस है हेयर स्पा करने का। आज की वीडियो में पूरा अच्छे से स्टेप बताऊंगी। आप कोई और वीडियो देख करके हेयर स्पा घर पे करेंगे तो हो सकता है आपके हेयर फॉल हो, लेकिन आज जो जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी हेयर स्पा करने के लिए, उससे जो प्रोडक्ट आप लगाने वाले हैं अपने बाल में उसका पूरा 100% आपके बालों में न्यूट्रिशन जाएगा और आपके बाल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और हेयर फॉल मेरे इस हेयर स्पा के बाद गिनती से 8 से 10 बार टूटे हैं। तो अगर आपको बिना बाल तोड़े हेयर स्पा चाहिए तो आज की वीडियो पूरी एंड तक देखिए और मेरी तरफ आइए। इस तरह से लस्ट्रस हेयर और सॉफ्ट, ये बालों को लस्ट्रस तो बनाती है, बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बाउंसी। आप देख रहे हैं बालों में कितना ज्यादा वॉल्यूम आ गया है, मेरे बालों का वॉल्यूम इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो हेयर स्पा ट्राई कीजिए घर में, वीडियो को एंड तक देखिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना थम्स अप के साथ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्लर जैसा हेयर स्पा घर पे पाने के लिए आपको चाहिए लॉरियल हेयर स्पा क्रीम और ये कॉन्सेंट्रेट। अगर डैंड्रफ है आपके सर में तो ये आप अलग से ले सकते हैं, 80 रुपये का आता है। डैंड्रफ नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो ये जो मैंने लॉरियल हेयर स्पा लिया है ये मोस्टली पार्लर्स में यूज़ होता है, और पार्लर में जाओगे तो बहुत महंगा हेयर स्पा होगा, पर आप घर पे इसको यूज़ करोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा। एक बॉटल में आप 5 से 6 बार कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपके बालों की लेंथ कितनी है। तो मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच ले रही हूँ क्योंकि मेरे बाल आपको पता है बहुत लेंदी है। ये 490 ग्राम का है और ये लगभग 650 के आसपास आता है, लेकिन अक्सर ये डिस्काउंट पे होता है। अमेज़ॉन से लोगे तो आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा या किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा ये। तो ये पूरी बॉटल जाएगी इसके अंदर, मेरे जितने बाल लंबे हैं तो पूरी बॉटल जाएगी। अगर शोल्डर तक आपके बाल है तो आधा कॉन्सेंट्रेट आपको इसके अंदर मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप कॉन्सेंट्रेट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सीधा आप बॉटल से निकालिए, कांच के बोल में डालिए, स्टील वाले या प्लास्टिक के बोल में नहीं डालना है आपको, कांच के बोल में डालेंगे आप। और उसके बाद अपने सूखे बालों पे ट्राई करेंगे। देखो पार्लर जाओगे तो आपके गीले बालों पे लगाएंगे, लेकिन मैं गीले बालों पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि जब बाल गीले होते हैं तो जड़ें कमज़ोर होती हैं, बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं और पार्लर में तो आप देख नहीं पाते हो कि आपके बालों का क्या सत्यानाश कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने अपने बालों को सुखा रखा है। मैंने शैम्पू मॉर्निंग में किया था और इवनिंग में मैं अपने बालों का हेयर स्पा कर रही हूँ। तो इस वक्त मैंने अपने बालों को गीला किया है स्प्रे बॉटल से, जैसे कि आपने देखा, लेकिन मैंने जड़ों को गीला नहीं किया है क्योंकि मैं जड़ों को कमज़ोर अभी नहीं करना चाहती। मैं जड़ों में भी ये लगाऊंगी, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगी अपने नीचे वाले बालों में लगाने से। तो जैसे कि आपने देखा 2 हिस्सों में बालों को डिवाइड कर लिया है, फिर पीछे से थोड़ा थोड़ा सेक्शन आपको लेना है और अच्छी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक, रूट से लेके टिप तक आपके बालों में इसको ऐसे अपने हाथों से प्रेस करते हुए लेके जाना है। 3-4 बार ऊपर नीचे ऐसे दबाते रहिए, जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं वैसा ही आपको पूरा फॉलो करना है। जो बाल हो जाते हैं उनको साइड में कर दीजिए, बाकी के बाल लेते जाइए और लगाते जाइए इस तरह से। टिप को बिल्कुल भी नहीं भूलना, अक्सर टिप्स पे पोशन नहीं पहुंच पाता है तो टिप्स रुके बेजान हो जाते हैं इस हेयर स्पा के बाद। एक तो आपके बाल इस हेयर स्पा के दौरान बहुत कम टूटेंगे, बाल सॉफ्ट हो जाएंगे और इतनी अलग सी शाइन नज़र आएगी कि सब देखते रह जाएंगे और पार्लर वाला खर्चा भी नहीं होगा। तो मैंने एक तरफ लगा लिया है, अब मैं आपको दिखा के पकाना नहीं चाहती थी दूसरी तरफ भी, तो मैंने दूसरा एडिट कर दिया है। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने दोनों हिस्सों में लगा लिया, पूरा वीडियो दिखाती तो बहुत लेंदी हो जाता। तो इस तरह से पूरे रूट में लगाना है, टिप्स में लगाना है, लेंथ में लगाना है, एक एक बूंद भी कटोरी में पड़ी नहीं छोड़नी है, पूरा पैसा वसूल करना है, अच्छी तरह से बालों में लगा लेना है। और जब लगाते ही ना आपको फील होगा कि आपके बाल स्मूथ होने लगे हैं। तो देखिए इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद आप मसाज कर लीजिए अपने सर का। तो आप देख रहे हैं मेरे बाल कितने चिपटे से हो गए, चिपक गए हैं। अगर आप बालों की स्ट्रेटनिंग कराओगे ना तो भी ऐसे ही नज़र आते हैं, इसलिए मैं रिबॉन्डिंग नहीं करा रही हूँ। अच्छा देखो मैंने लगा ली, उसके बाद मैं कंघी कर रही हूँ अपने बालों को। कंघी करने का स्टाइल, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता है, कंघी हमेशा नीचे से शुरू करना है, टिप से करना है, फिर मीडियम लेंथ पे आना है, मिडल पार्ट में, और फिर रूट पे आना है। तो इस तरह से कंघी मैंने कर लिया है, ये भी मैंने एडिट कर दिया है पूरा कंघी करने का सेक्शन।
ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए, कुछ बाल नहीं टूटा है मेरा, एक भी बाल नहीं टूटा है, क्योंकि मेरी जड़ें इस वक्त कमज़ोर नहीं है, क्योंकि गीली नहीं है। और कंघी करते ही बालों में क्या शाइन आ रही है। कंघी मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे बालों के अंदर कोट हो जाए अच्छी तरह से ये हेयर स्पा, ठीक है। कंघी नहीं करेंगे तो बाल टैंगल्ड हो जाएंगे, उलझेंगे, और अगर आप बाल धोओगे ना तो ये टूटेंगे। अब मैंने स्कैल्प पे भी अच्छे से लगा लिया है और स्कैल्प पर मसाज करी है। आपको कंघी करने से पहले स्कैल्प मसाज करनी है, मैं शूट नहीं कर पाई थी इसलिए मैं अब आपको दिखा रही हूँ। मसाज करने के बाद आप कोई सा भी कॉटन ले लें, अपने भाई का कॉटन का टी शर्ट ले लीजिए या मम्मी का ले लीजिए, बस बड़ा साइज होना चाहिए वो ध्यान रखिए। गर्म पानी के अंदर निचोड़ लीजिए, गर्म पानी इतना ही करना है जितना बर्दाश्त कर सके, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। फिर इस तरह से हम स्टीम लेंगे, अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे स्टीम ले लीजिए। बट अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो जो मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ, इस तरह से अगर आप स्टीम करेंगे तो जितना भी हेयर स्पा का पोर्शन है ना वो अच्छी तरह से आपके बालों में पहुँचेगा और अच्छे से आपके बाल की स्मूथ हो जाएंगे। आप ये स्टेप चाहे तो स्किप भी कर सकती है, लेकिन पूरा अगर आपको 100% प्रोडक्ट का रिजल्ट चाहिए तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये दो बार आपको रिपीट करना है कि आपने गर्म किया, बालों में लगाया, 10 मिनट छोड़े बाल, फिर उसके बाद आपने कपड़ा गर्म किया और बालों में लगाए, फिर छोड़ दिया। दो बार करेंगे 10-10 मिनट के लिए, तो 20 मिनट टोटल आपको हेयर स्टीम लेना है, उसके बाद आपको बाल धो देना है। अब मैं अपने बाल धो भी चुकी हूँ और मैं सुखा भी चुकी हूँ। सुखाने के लिए ब्लो ड्रायर मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने टॉवल में ही अपने बालों को सुखा लिया है। तो मेरे बाल अभी वॉल्यूम दिख रही है आपको, बहुत अच्छे, लेकिन उलझे हुए हैं क्योंकि हेयर स्पा निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं बालों को सुलझा देती हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा कि मेरे बाल कैसे अच्छे से नरिश्ड हुए हैं इस हेयर स्पा के बाद का रिजल्ट। तो फिर से कंघी मैं उसी तरीके से करूँगी, बालों को दो हिस्से में डिवाइड कर लूँगी, नीचे से ऊपर कंघी करना स्टार्ट करूँगी। और इस बार भी कंघी करते हुए मेरे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं दोस्तों। हेयर स्पा जिस तरह से मैंने आपको बताया करोगे तो बिल्कुल बाल नहीं टूटेंगे, जड़ों को गीला नहीं करना है जब आप हेयर स्पा करोगे, बाद में गीला कर सकते हो। और अब मैं कंघी भी कर चुकी हूँ, आप देखो मेरे बाल कैसे फ्लफी हो गए हैं, सुलझ गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, और इस हेयर स्पा की खुशबू मेरे बालों में 2 दिनों तक आती रही। अच्छा, अब आपको ना यहाँ 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप हेयर स्पा करें ना तो आप अपने बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए, जैसे कि मॉर्निंग में आप अपने बाल शैम्पू से धोएंगे, कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे, और इवनिंग में जब बाल पूरी अच्छी तरह से सूख जाते हैं तब आप हेयर स्पा करिए, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। स्टीमर यूज़ करेंगे बेस्ट रहेगा, स्टीमर नहीं है तो कोई भी कॉटन का बड़ा टी शर्ट ले लीजिए, पानी गर्म कीजिए और जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है 10-10 मिनट के लिए 2 बार आप वो कपड़ा चेंज कर सकते हैं, मतलब जब ठंडा हो जाता है फिर दोबारा ले लीजिए और सर पे लगा लीजिए। तो 20 मिनट का आपको स्टीम देना है बालों में, उसके बाद आपको बाल धोना है। 10 से 15 मिनट आपको लगेगा हेयर स्पा की क्रीम बालों से निकालने में, अगर आपके बाल मेरे जितने बड़े हैं, छोटे हैं तो जल्दी भी निकल आएगा। उसके बाद बालों को ब्लो ड्राई नहीं करना, टॉवल से ड्राई कर लेना। हेयर स्पा करना आप होम रेमेडीज DIY भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, वो अगर ट्राई नहीं करना चाहते हैं, इजीली अपने बालों को स्मूथ सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, तो आप ये वाला हेयर स्पा जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल कैच यू अगेन।